जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग ग्लेस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। क्या बात होगी? बात यह होगी कंपनी के कुछ नए अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, उस अपडेट के बारे में बात होगी जिसके बदौलत कंपनी के शेयर प्राइस में कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये काफी कमाल का अपडेट होने वाला है इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा, और साथ में यह भी बताऊंगा कि चूंकि शेयर प्राइस देखेंगे तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है, तो क्या इससे हमें डरना है, घबराने की जरूरत है या नहीं घबराने की जरूरत है, आपको कंप्लीट एनालिसिस करके इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वैसे ग्लेस्टोन टेक्सटाइल्स कंपनी के जो नए अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं उसको हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी के चार्ट पर, और मेन चीज जो है कंपनी के प्राइस नीचे क्यों जा रहा है और कब ऊपर उठेगा उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग बाकी के अपडेट्स को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। एक्सेल का चार्ट यहाँ पे आपके सामने ओपन है, एक्सेल के चार्ट पर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ था, एक कह सकते हैं कहीं ना कहीं 60 पैसे के लेवल से लेकर 80 पैसे के लेवल तक। उम्मीद था कि इस रेंज से जब बाहर निकलेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे कि सामान्य तो होता है, हुआ भी यहाँ आप देख सकते हैं इससे जब बाहर निकला तो प्राइस ऊपर गया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और यहाँ पे चूंकि प्रॉफिट बुकिंग हुआ क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे फंसे हुए थे। क्या हुआ, देखिए ये जब प्राइस ऊपर गया था तो यहाँ पे लोगों ने टॉप पे बाई किया, अब इनको यहाँ पे निकलना जरूरी था जो इस रेंज अमाउंट में फंसे हुए थे, तो इनके लिए ये मौका मिला। और चूंकि एक रुपए का लेवल, दो रुपए का लेवल, ये इन स्टॉक के लिए एक साइकोलॉजिकल नंबर का काम करता है, तो यहाँ से प्राइस को डाउन आना बनता था, जाहिर सी बात है प्राइस डाउन आया, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं था कि फिर से इतना लंबा एक डाउन ट्रेंड, इसमें डाउन ट्रेंड नहीं कहेंगे, यहाँ तक देख सकते प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जाके प्राइस डाउन ट्रेंड बना रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस नहीं जा रहा है। तो क्या इससे हमें डरने की जरूरत है? देखिए आप समझेंगे तो ये जो लेवल था 60 पैसा के लेवल, ये वही लेवल है जो पहले जिस रेंज में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है, यानी कि अभी इस ये प्राइस फिर से कहीं ना कहीं घूम के अपने इसी रेंज में आ गया है जहां पे पहले था, तो इससे तो हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी स्टॉक आप देखेंगे तो इसी रेंज में है, यहीं पे समय बिता रहा है। तो इससे क्या होगा कि अभी जब तक प्राइस 60 पैसा के नीचे नहीं है तब तक हम इसको डाउन ट्रेंड नहीं मानेंगे और हम अपना शेयर इस स्टॉक से भी नहीं बेचेंगे, हमें वेट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने देखा कंपनी के इस साल के जो क्वार्टर वन के नंबर आए थे, काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था इस स्टॉक ने क्वार्टर वन के नंबर रिजल्ट में, और अभी कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर भी आने वाले हैं, मैं इसके बारे में आगे आपको अपडेट दूंगा। तो चूंकि नंबर अब शानदार आ रहे हैं, फंडामेंटल कंपनी का मजबूत हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के जो शेयर प्राइस है ऊपर जाएगा ना कि नीचे जाएगा, और हम सभी जानते हैं कि जब भी स्टॉक रेंज बाउंड में होता है तो इससे जब बाहर निकलता है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो ये थोड़े दिनों की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक्चुअल में गिरावट नहीं है, स्टॉक अभी भी देखेंगे तो रेंज बाउंड में है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। आपके पास जितने भी शेयर है आप उसको होल्ड कीजिए, नया बाय अभी नहीं करना जब तक कि प्राइस एक रुपए के ऊपर ना निकले, इसमें नया इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा इस स्टॉक में, जिसके पास पहले से शेयर है सिर्फ वही अपने शेयर्स को इसमें होल्ड करके चलेंगे और अभी बेचने की गलती इस स्टॉक में नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं उस अपडेट की बात कर लेते हैं जिस अपडेट की बात मैंने शुरू में आपको बताई थी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं अभी बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर। बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर देखिए ग्लेस्टोन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड अभी कोई भी ये स्टॉक रेड फ्लैग में देखने को नहीं मिलेगा। सामान्यतः पेनी स्टॉक में कोई ना कोई रेड फ्लैग होता ही है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ना तो ये स्टॉक जीएसएम ना ही जीएसएम कैटेगरी में है। सबसे कमाल की बात यह है कि जब आप नीचे आते हैं यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस में देखने को मिलेगा क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का क्या मतलब होता है? जो लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं वो इनसाइडर ट्रेडिंग ना कर सके, उनके लिए जब कोई कॉर्पोरेट एक्शंस होने वाला होता है तो उससे कुछ समय पहले ट्रेडिंग उसमें क्लोज कर दी जाती है, तो इसको कहते हैं क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। तो यहाँ पे होने ये वाला है, क्लोजर विंडो जब भी क्लोज होता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है कंपनी के क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं, तो इस कंपनी के भी क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं। हम सभी जानते हैं सितंबर मंथ चल रहा है, सितंबर खत्म हुआ है, तो अब कंपनी के जितने भी कंपनी है सबके क्वार्टर टू के नंबर आएंगे, क्योंकि क्वार्टर वन का नंबर तो पहले ही जून में आ गया था, तो अब कंपनी के क्वार्टर टू का नंबर आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया चार्ट एनालिसिस के दौरान कि कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर काफी शानदार आए थे, कंपनी का जबरदस्त सेल्स हुआ था, मैं आपको आगे दिखा भी दूंगा, तो कह सकते हैं कि अब जो अगला क्वार्टर का नंबर आने वाला है इसके बेसिस पे कि यह भी शानदार आएगा और उम्मीद की जा रही है कि नंबर अच्छे आएंगे, और चूंकि नंबर अच्छे आएंगे तो कंपनी के शेयर प्राइस में इजाफा होगा ही होगा, शेयर प्राइस ग्रो करेगा ही करेगा। तो आप कहीं ना कहीं भले शेयर प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन जो आप मनी कंट्रोल इन्वेस्टिंग डॉट कॉम जैसे वेबसाइट पर देखेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है आपको वॉल्यूम में बढ़ोतरी होते हुए दिखेगा। तो ये ओवरऑल संकेत है कि अब ग्लेस्टोन टेक्सटाइल्स के दिन बहुरने वाले हैं और आपको इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि स्टॉक का जैसे सिर्फ काम और चार्ट छोड़ दें तो हम यह भी जानते हैं कि कंपनी जो काम करती है उसका भी डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाला है, वो भी एक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब इस कंपनी के काम को समझते हैं तो उसमें हमें ग्रोथ नजर आती है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर को हमारे देश की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, तो जिस चीज को गवर्नमेंट सपोर्ट करे जाहिर सी बात है यदि आपका उसमें इन्वेस्टमेंट है तो आने वाले समय में उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इसलिए ग्लेस्टोन टेक्सटाइल के शेयर में जिसका भी इन्वेस्टमेंट उसको घबराना नहीं है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। देखिए स्टॉक मार्केट में पेशेंस काफी जरूरी होता है, पेशेंस से पैसा बनता है, मैं बार बार कहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो जानकारी जो अपडेट मैंने आपको दिया है समझ में आया होगा। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।